नमस्कार, बिहार 24 सच से सामना में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुषमा ठाकुर। शराब बेचने और पिलाने वालों के विरुद्ध पुलिस का जबरदस्त अभियान चला है। आपको बता दें कि झंझारपुर एवं भैरव स्थान पुलिस ने विभिन्न ठिकानों पर लगातार छापामारी करती रही। वहीं झंझारपुर में 5 और भैरव स्थान में 1 धंधेबाज की गिरफ्तारी हुई है। वही पुलिस निरीक्षक महफूज आलम ने बताया कि इस अभियान में 27.5 लीटर देसी विदेशी शराब जब्त किया गया है। विभिन्न घरों में लोग छुपाकर शराब बेचने का काम कर रहे थे। झंझारपुर थाना क्षेत्र में नगर पंचायत वार्ड नंबर 2 निवासी योगेंद्र महतो की 50 वर्षीय पत्नी बीना देवी को 3 लीटर देसी शराब के साथ पकड़ा है। सिमरा पंचायत के महेशपुरा निवासी फुच्चन कामत की 55 वर्षीय पत्नी रीता देवी को 4.125 लीटर विदेशी शराब के साथ हिरासत में ले लिया है। नगर पंचायत के ही वार्ड नंबर 11 निवासी मोहम्मद जालिम को 3 लीटर देसी शराब के साथ धरा गया। ये लंगड़ा चौक के समीप लकड़ी के टूटे कटघरे में रख कर शराब बेचते थे। नगर पंचायत के वार्ड नंबर 7 निवासी पति पत्नी राहुल कुमार एवं रूपा देवी को 15.6 लीटर देसी शराब व 4 लीटर महुआ के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में पुलिस ने महिला रूपा देवी को ही गिरफ्तार किया था। जब उसके पति राहुल को जानकारी मिली तो वह स्वयं अपनी पत्नी को निर्दोष बताते हुए थाने पर चला गया। पुलिस ने पत्नी प्रेमी में थाने गए पति को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं भैरव स्थान थाना क्षेत्र में इमामद पट्टी निवासी कारी मंडल के पुत्र जमेली मंडल को 3 लीटर देसी शराब के साथ धरा गया है। SHO चंद्रमणि ने बताया कि गिरफ्तार सभी पुरुष सदस्य को मधुबनी न्यायालय में उपस्थित करने के बाद बेनी पट्टी उपकारा भेजे जाने की संभावना है। वहीं महिला धंधेबाज को मधुबनी में उपस्थित करने के बाद दल सिंह सराय जेल भेजे जाने की संभावना है। साथ ही उन्होंने कहा कि शराब धंधेबाजों के खिलाफ यह अभियान लगातार चलता रहेगा। हाँ, कल बीते दिन और शाम में टेस्ट ड्राइव को देखते हुए और बाजार समिति लंगड़ा चौक महेशपुरा वार्ड नंबर 7 ये 4 जगह छापेमारी की गई। छापेमारी में कुल 5 अभी गिरफ्तार हुए, जिसमें 3 महिला 2 पुरुष। इन सभी के पास से देसी विदेशी शराब बरामद किया गया, जिसमें देसी शराब 25 लीटर 600 ml और इंग्लिश शराब 4 लीटर 125 ml बरामद। सभी को गिरफ्तार कर आज जेल भेजा जा रहा है। पहले भी जेल जा चुके हैं लोग क्या? पहले इसका छानबीन किया जा रहा है, पहले इसका देखा जा रहा है, जांच किया जा रहा है। जो पूर्व में सर जेल जा चुके हैं, उनका कुछ परेड भी करवाया जाता था? हाँ, जो पूर्व में जेल गया है और अभी उसके पास से कुछ नहीं मिला है, उस सबको चेतावनी दी गई है कि अगर उसकी हरकत वैसी रहेगी तो उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। ऐसी ही जानकारी के लिए आप देखते रहिए बिहार 24 सच से सामना।